Dear students, I welcome to all of you in the module on Gini coefficient, income inequality, and the factors of income inequality. इसमें different चीज़ें हम discuss करेंगे कि किस तरह change in income leads to change in Gini coefficient और what is the rationale behind this shift. इस shift को कभी कभी हम trickle down hypothesis में भी discuss करते हैं कि किस तरह हाई इनकम का इम्पैक्ट लोअर इनकम वाले लोगों पे होता है. अब ट्रिकल डाउन हाइपोथेसिस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लोग डिस्कस करते हैं. कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस वक्त रिच रिचर हो रहा होता है तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो इनकम ज़्यादा होती है उसका इम्पैक्ट पुअर लोगों पर पड़ता है, जिससे उनकी इनकम भी बढ़ती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकम इनइक्वालिटी कम होना शुरू हो जाती है. लेकिन कुछ कंट्रीज़ में ये ट्रिकल डाउन वर्क करता है, कुछ कंट्रीज़ में ये ट्रिकल डाउन वर्क नहीं करता. कुछ कंट्रीज़ में जब रिच रिचर हो रहा होता है तो कुछ टाइम के बाद पुअर की इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और इसके लिए डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट ने लाइक वी हैव अ कैचअप थ्योरी. कैचअप थ्योरी ये कहती है कि कुछ टाइम के बाद डिवेलप्ड और डिवेलपिंग कंट्री में गैप कम होना शुरू हो जाता है, और गैप कम होने के लिए भी सर्टन रीजंस होती हैं, सर्टन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अंडर डिवेलपिंग एंड डिवेलप्ड कंट्रीज होते हैं, और सर्टन टाइप ऑफ देर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं कि अगर ये एक्टिविटीज़ हों तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिवेलप्ड और डिवेलपिंग कंट्री में गैप कम होता जाएगा. इसी तरह जब इनकम इनइक्वालिटी में चेंज आती है, जिनी कोएफिशिएंट चेंज होता है, और उसके चेंज होने की सबसे बड़ी वजह इनकम में चेंज आती है. अब इनकम में चेंज क्यों आ रही है, ये क्वेश्चन है. तो इनकम में चेंज नंबर वन तो सोर्सेज ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है कि कुछ लोग होते हैं उनके एक से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, कुछ लोग होते हैं उनका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है. अब जब इनकम आ रही है, इनकम फर्दर लीड टू डिफरेंट फैक्टर्स कि उस इनकम को कैसे वो अर्न कर रहा है, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, क्या वो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहा है, क्या वो बिजनेसमैन है, क्या वो सीजनल वर्क कर रहा है, क्या वो कंसल्टेंसी दे रहा है, क्या वो फॉर्मल सेक्टर में है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग में कर रहा है, स्मॉल स्केल में है, लार्ज स्केल में है, सर्विसेज है, फाइनेंशियल सेक्टर है, आईटी सेक्टर में है. देर आर डिफरेंट सेक्टर्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी हमारे पास एक वैरायटी होगी, और इस वैरायटी को जब हम डिस्कस करते हैं आगे चल के हम प्रोफाइल में, पॉवर्टी प्रोफाइल में इन चीज़ों को देखेंगे, पॉवर्टी मैपिंग में देखेंगे कि किस किस तरह पॉवर्टी में ये चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं. तो जिस वक्त इनकम चेंज होती है तो जिनी भी चेंज हो जाता है, लेकिन जिनी इनकम में चेंज होने से किस तरह चेंज होता है और किस वक्त इनइक्वालिटी बढ़ती है, किस तरह इनइक्वालिटी कम होती है, उसमें लॉरेंस कर्व हमारी किस तरह हेल्प करती है, या जिनी कोएफिशिएंट किस तरह रोल प्ले करता है. जैसा हमने डिस्कस किया था कि लॉरेंस एंड जिनी कोएफिशिएंट ऑलमोस्ट सेम. जब किसी वक्त भी लॉरेंस कर्व 45 डिग्री लाइन से हटती जाएगी तो उससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, और जो ही इनइक्वालिटी बढ़ेगी जिनी कोएफिशिएंट भी चेंज हो जाएगा. अब किस तरह ये चेंज आता है, इसके लिए एक कंप्रिहेंसिव हमारे पास ग्राफ है. इस ग्राफ में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दो तीन किस डिफरेंट किस्म के इनइक्वालिटी के मेजर्स हैं. इसमें आप लॉरेंस कर्व को देख रहे हैं कि एक कर्व 45 डिग्री की लाइन है. अब ये जो 45 डिग्री की लाइन है ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. अब जिस वक्त इस इक्वालिटी की हम बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक लाइन जो है वो बता रही है कि यहाँ पर कम इनइक्वालिटी है, और कम इनइक्वालिटी के लिए आपके पास लाइक अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें 10% के पास 10% रिसोर्सेज होने चाहिए. लास्ट टाइम हमने डिटेल डिस्कशन की कि 20% के पास 20% रिसोर्सेज होने चाहिए, 30% के पास 30% होने चाहिए, 40% के पास 40% एंड सो ऑन. तो ये जो लाइन है फ्रॉम पॉइंट ए बी सी डी एंड सो ऑन, ये इंडिकेट करती है कि देर इज इक्वालिटी इन द सोसाइटी. लेकिन अगर इस लाइन पर सिचुएशन रहे तो फिर तो इक्वालिटी है, लेकिन दुनिया में एक भी कंट्री ऐसा नहीं जहां पर इनकम इनइक्वालिटी है. होता यह है कि ये जो पॉइंट है ये बता रहा है कि 10 के पास 10% होना चाहिए, बट हकीकत में दे हैव ओनली 5%.
20 के पास 20% होना चाहिए, बट इन रियलिटी दे हैव ओनली 8%। 30 के पास 30% होना चाहिए, बट दे हैव ओनली 15%। तो इसी तरह जिस वक्त एक और लाइन लाइक दिस लाइन इज फॉर सम टाइप ऑफ डिवेलप कंट्रीज एंड दिस लाइन इज फॉर डिवेलपिंग कंट्रीज, दोज आर इन प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट। तो डिवेलपिंग कंट्री में इनइक्वेलिटी और ज्यादा है। डिवेलपिंग कंट्री में अगर आप देखें, देर इज ह्यूज डिफरेंस इन 45 डिग्री लाइन एंड लॉरेंस कर्व, और डिवेलप्ड कंट्री में ये गैप कंपैरेटिवली थोड़ा है, क्योंकि वहां पर 45 डिग्री की लाइन में और इनइक्वेलिटी में डिफरेंस कम है। अब ये जो डिफरेंस है ये बेसिकली जिनी कोएफिशिएंट को कंप्यूट कर लेता है, और जिस वक्त कंट्रीज डिवेलपमेंट की तरफ जाते हैं इनइक्वेलिटी कम होती है, जो ही वो अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज होते हैं उनमें इनइक्वेलिटी ज्यादा होती है। और ये सारी की सारी जो लॉरेंस कर्व में मूवमेंट है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन इनकम इन द सोसाइटी, चेंजेस इन इनकम इन डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स, या चेंजेस इन इनकम इन ओवरऑल कंट्री, कोई स्टेट की बात हो सकती है, किसी रीजन की बात होती है, और ये सारे का सारा डिपेंड करता है कि इनकम में किस तरह चेंज आ रही है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट्स चेंज इन इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फिर आगे हम मूव करते हैं, क्या जिनी चेंज हो रहा है, क्या जनरलाइज एंट्रोपी मेजर आपकी चेंज हो रही है, क्या उससे परसेंटाइल चेंज हो रहे हैं, क्या उससे डिसाइल चेंज हो रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन इनकम।